ये उन दिनों की बात है। चलना जल्दी, तो मैं तो चल ही रही। ओ भाई क्या है, सवेरे सवेरे उड़न घटोले कहाँ चले? अरे बोलो कहाँ जा रही हो? वो भाभी जी वो क्या है ना कि आज इनके कॉलेज में ना प्रोग्राम है, मतलब वो प्रतियोगिता है, वो क्या कहते हैं मिस्टर एंड मिसेस फेसर का। हाँ अच्छा, सब्जी बनाने की प्रतियोगिता है। क्या है, ऐसे क्यों वो बना रही हो? अरे फ्रेश तो सब्जी होती है। अच्छा अच्छा बताओ क्या बनाओगी तुम? मैं बताती हूँ। नैना तुम लौकी बना लेना और प्रीति तुम टिंडे बना लेना, और एक बात वो सब्जियां घर वापस ले आना सारी की सारी बटोर के। वो परले बाबू को लौकी की सब्जी और टिंडे की सब्जी बहुत पसंद है, बड़े शौक से खाता है। क्या है हंस क्यों रही हो? वो एक डांस प्रतियोगिता है जिसमें लड़के लड़कियां। बेला अग्रवाल खानदान की लड़कियां पराए लड़कों के साथ नाचेंगी, यही सिखाया तुमने? नहीं नहीं भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, आपको क्या लगा ये दोनों नाचेंगी? अरे नहीं भाभी जी, ये दोनों तो दूसरी लड़की लड़कियों को नाचते हुए देखेंगी। हाँ 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 ना हाँ। अब अच्छा बेटा सुनो, तुम दोनों ना मेरी वो बात मत भूलना। हाँ कौन सी? वो वाली बात बेटा, वो वाली, वो अरे वो वाली बात, हम कैसे वो बात कैसे भूल सकते हैं? हम हाँ। हमें याद है। कौन सी बात? वो ये कि मम्मी ने कहा था कि जो नाचने वाले लड़के लड़के हैं ना उनसे कभी दोस्ती मत करना। बिल्कुल मत करना। हाँ बेला नेवा, ब्याह की जब से आई है आज पहली बार अक्कल की बात करी है तूने। शाबाश। ठीक है, भगवान ऐसी चाची सबको दे और मेरे जैसी भतीजी भी सबको दे जिसने अपने साथ साथ चाची को भी झूठ बोलना सिखा दिया था पर ये भी तो सच है ना कि अगर जिंदगी में छोटे मोटे प्यारे प्यारे खट्टे मीठे झूठ ना हो तो कितनी बेरंग सी हो जाएगी जिंदगी, नहीं? और सीधे जाना, सीधे आना। बेला हाँ? सर बड़ा दुख रहा है, सवेरे से चाय नहीं पी, इलायची वाली चाय तो बना के ले आ बेटा। अभी लाती हूँ भाभी जी। कॉलेज तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज। अरे जाचे भाई मैं सच बता रहा हूँ, आज हम छा जाएंगे, जीत जाएंगे। अच्छा पंडित तूने रात को प्रैक्टिस करी थी ना? अरे भाई आग लगा दूंगा, बस तू देखते रहना। मैंने समीर को कहा था 8 बजे तक आ जाना, अभी तक नहीं आया। चीचा जी पागल है प्रीति, सॉरी मुंह से निकल गया। क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है समीर। तुम यहाँ आने में डर नहीं लगा? प्यार किया तो डरना क्या? मुझे ना एक लड़की की याद आ गई। क्या नाम था उसका? कम्मो। मेरे घर आई थी मेहंदी लगाने, उसका कहना था कि
प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, लेकिन डांस करने वाले वो तो डरते हैं ना, है ना भाभी? ये वक्त डरने का नहीं, सिर्फ जीतने का है। हाँ, लेकिन उससे पहले हम सबको चलकर तैयार होना पड़ेगा। तो चलो फिर। ये स्वाति और काम्या भी नहीं आई, पता है अभी तक? गुड मॉर्निंग सर। कॉल मी जेवीआर। ओके जेवीआर, तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हो? नहीं जेवीआर, हमको डांस करना नहीं आता। ओह, ऐसा करो तुम जल्दी से शादी कर लो, फिर डांस करना भी आ जाएगा। अपनी वाइफ की उंगलियों पर? बैड जोक टफर्स। मिताली, हाय। हेलो। इन सब की तरफ से भी मेरा है। क्यों, मैं अपना हाय खुद बोलूंगा। हाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। भाई भाई मुंह बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी। भाई तू जल मत, सेट हो गई है। दो दिन बाद मिलियो। प्रैक्टिस मैंने देखी थी कार्तिक, बहुत अच्छा कर रहा है तू। अच्छा जाना लड़के, नाम रोशन करना। ओहो, ऑल द बेस्ट कार्तिक। थैंक यू भैया। बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक यू। थैंक यू। तुम हमें विश नहीं करोगे समीर? नेवर माइंड, मे द बेस्ट पर्सन विन। पर बेस्ट तो हम ही हैं। चलो देर हो रही, चलो। कार्तिक और सुनैना ही जीतेंगे। अरे कार्तिक और सुनैना ही जीतेंगे। नैना, तू बेकार में टेंशन ले रही है। तुझे याद नहीं अर्जुन भैया क्या कहते थे कि 1983 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया के बारे में सब यही कहते थे कि इनका कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ था? चैंपियन तो हम ही बने थे ना। चलो वर्ल्ड कप खेलने, मेकअप रूम में चले। चलो जल्दी चलो, नैना मार डालेगी। अरे तो चलते रहे ना। नैना लो। आ गई तुम लोग, इतनी देर क्यों हो गई? इसका मेकअप भी खत्म नहीं होता, कितना टाइम लगाती है मेकअप करने में यार। अरे अब तो पहुंच गए हैं ना, चुप करना। तुम लोग ये सारी बातें बाद में कर लेना, अभी चले हम यहाँ से। चलो चलो जल्दी अब। अच्छा हुआ वो ग्रीन रूम की भीड़ से बाहर निकल कर हम मेकअप करने आ गए। कैसा लग रहा हूँ पंडा तुम्हें? अरे यार बेल्ट बहुत लूज है, ऊपर से बेल्ट में छेद भी नहीं है। पंडित रुक, मैं काम करती। प्रीति बस सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन? हाँ। जल्दी जल्दी लेके, जल्दी लेके, लड़के की इज्जत गिर रही है यहाँ। ये ले। हाँ वो पंडित के ना बेल्ट में छेद करने हैं। पंडित ये ले। धन्यवाद। ए लड़की की आवाज मत निकाले यार तू। अरे मैं नहीं बोला। पंडित ऐसा भूत वाला मेकअप कभी ना करियो, वरना तुझे देख के मेरे सर से प्यार का भूत उतर जाएगा। स्वाति ला, मैं ठीक कर देती।
क्या किया है? गलती से लिपस्टिक की जगह काजल लगा लिया। सॉरी निकाल देती हूँ। मुंह खोल। आजा कोटी पहन लेते हैं अपनी अपनी। चल चल चल। अब खा सब लोग जल्दी जल्दी करो ना। पहला परफॉर्मेंस हमारा ही है। मांगे हैं आसरा ये मन मेरा। A gift for someone you love. तुम्हारी दाढ़ी मुझ आ गई है। मेरा मेकअप। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। चॉकलेट और रोमांस, क्या गजब का कॉम्बिनेशन था ना ये। मेरी तो हर चॉकलेट वाली मेमोरी मुझे अपने फ्रेशर्स के दिनों में ले जाती है। कई सालों बाद जब एक एड ने पिघली हुई चॉकलेट में लिपटे हुए रोमांस को टीवी पर दिखाया तो कॉलेज रोमांस की वो चॉकलेट जैसी मीठी यादें ताजा हो गई थी। अब ये सब सुनकर आपका भी मन कर रहा होगा ना चॉकलेट खाने का, और उस एक खास को फोन करने का जिसने आपको कॉलेज में खूब चॉकलेट खिलाई थी। बोली बोलिए, है ना। लहरों के जैसी उड़
स्टूडेंट्स, ये नहीं पहनो। हेलो मैम। सब लोग रेडी? यस मैम। गुड। बस एक बात का ध्यान रहे, सबका एम होना चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस देना, बस जितना ही नहीं। यस मैम। यस मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। वैसे आशा मैम ने जो भी बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है, हम सबको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। ओके हाँ। वेलकम फ्रेंड्स, तो अब शुरू होने जा रहा है वो कंपटीशन जिसका आपको, मुझे, हम सबको बेसब्री से इंतजार था। मिस्टर एंड मिस प्रेशर 1992। पंडित कैसे थे? जल्दी जा, जल्दी जा, मोमेंट मिला। कहां गई यार? पंडित कैसे देना जल्दी यार? अरे यार वो कैसेट नहीं मिल रही। क्या पागल हो गया तू? कैसेट नहीं मिल रही, हट। अरे मैंने बैग में डाली थी यार, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बैग में थी। पंडित एक बार चेक करना फिर से यार। नहीं है यार। मैंने तुम्हें रात को भी कहा था ना चेक करने के लिए। हाँ पर चेक किया था मैंने पंडित। मैंने तुझसे पूछा था ना कैसे है या नहीं, तूने चेक किया था ना? भी सबसे पहला है। तो दोस्तों इस कंपटीशन की शुरुआत करने के लिए मैं जिस ग्रुप को बुलाने जा रहा हूं वो है कार्तिक सुनैना ग्रुप। कार्तिक सुनैना? कार्तिक और सुनैना ग्रुप? कार्तिक और सुनैना कैसे हो सकते हैं? हाँ कार्तिक सुनैना फर्स्ट एंट्री तो हमारी थी ना। वैसे अच्छा ही है ना, इस बहाने हमें कैसे ढूंढने का टाइम भी मिल जाएगा। हाँ। हम सब कैसे ढूंढते हैं जब तक? क्या कार्तिक तेरे ग्रुप का पहला नंबर करा दिया क्या? थैंक यू भैया। थैंक यू की क्या बात है यार, तेरा भाई हूँ, इतना नहीं कर सकता। हाँ एंड डोंट फॉरगेट तेरे दादाजी ट्रस्टी हैं इस कॉलेज के। तुझसे तो तेरा ये कजिन भी पंगे नहीं ले सकता। अरे नहीं नहीं भाई नहीं नहीं। लेकिन अगर थैंक यू कहना है तो आशा नाम से बोलो। मैम थैंक यू सो मच। अरे कार्तिक बेटा इसमें थैंक्स की क्या बात है, इस बात का जिक्र अपने दादाजी से जरूर करना। इस बार तो मैडम प्रिंसिपल ही बने। यस मैम 100% श्योर। कार्तिक भैया दादी जी से तो निक हमारी भी अप्रोच करा दो यार। उस दिन सवाल ये था कि नई कैसेट कहां से लाएं? उन दिनों कंप्यूटर या इंटरनेट तो था नहीं कि एक क्लिक से कुछ भी डाउनलोड कर लो। कैसेट में गाने रिकॉर्ड करवाने में भी 2-3 दिन लग जाया करते थे। हम सबको तो बस यही लग रहा था कि गेम ओवर। पंडित कहीं बाहर तो नहीं गिर गई? अरे यार बैग बंद था कैसे गिर सकती है? तेरा बैग नहीं तेरा दिमाग भी बंद रहता है। अब क्या करें?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.